मैं आ गया हूँ और आप मेरे बाद आएंगे, अर्थात आप प्रत्यय हैं। कोई शब्द प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय की जो परिभाषा है वह है कि साथ में किंतु बाद में आने वाला, ठीक है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जो साथ में आए किंतु बाद में आए वह प्रत्यय होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल प्रत्यय की परिभाषा को चरितार्थ कर रहे हैं। और इस रूप में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ और आप जो है थोड़ा और समय लेकर के आ रहे हैं। मुझे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक संस्मरण याद आ रहा है। वो यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के जो हम विभागाध्यक्ष थे विज्ञान संकाय में, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, तो उनके विदाई समारोह में आए हुए थे। और उस विदाई समारोह में डॉक्टर जोशी पहले पहुंच गए और अटल बिहारी वाजपेयी भी उन्हीं के साथ आए, लेकिन अन्य जो गणमान्य अतिथि थे वो थोड़ा देर से आए। तो वाजपेयी जी जानते हैं कि हमेशा चुटकी लेकर के बात किया करते थे। उन्होंने चुटकी भरे अंदाज में कहा कि पहले मुझे लग रहा था कि मैं विलम्ब से आया हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं रास्ते भर घबरा रहा था, लेकिन जब यहाँ आया लगा मैं बहुत पहले आ गया हूँ, क्योंकि जो हमको सुनने वाले हैं वो अभी नहीं आए हैं। तो इस संक्षिप्त परिहास के पश्चात, जो कि यहाँ पर प्रासंगिक भी है, हम लोग अब अपने मूल विषय, जो हमारा मूल कर्तव्य है, जो आज के हमारे व्यक्तित्व से संबंधित है, वह है प्रत्यय। कल प्रत्यय पर चर्चा हुई थी, तो प्रत्यय का एक भाग कृदंत, आप जानते हैं कि प्रत्यय के दो रूप हैं, एक कृदंत है जो क्रिया के अंत में लगता है और दूसरा तद्धित है। कृदंत पर विस्तार से चर्चा हुई थी, उसके प्रकारों को बताया गया था। उसी के संदर्भ में आप में से कुछ मित्रों ने हमारे फोन किया था और कहा कि सर जो तद्धित वाला भाग है वह और विस्तार से बताने की अपेक्षा है, क्योंकि यह PCS मुख्य परीक्षा में, लोअर परीक्षा में, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, यहाँ तक कि जो आपके IAS का सामान्य हिंदी का पेपर होता है वहाँ पर भी उपसर्ग और प्रत्यय, शब्द विलोम, ये सब पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी महती भूमिका रहती है। जो आपका CSET का पेपर है वहाँ पर भी इसकी उपादेयता है। तो उनके इस आग्रह को स्वीकार करते हुए आज हम प्रत्यय का जो दूसरा खंड है तद्धित, उस पर विचार करेंगे। कल हम देख रहे थे कि जैसे हमने उपसर्ग की परिभाषा बताई आप लोगों को, तो ये हुआ कि उपसर्ग वह है जो शब्दों के पहले जुड़े। अंग्रेजी भाषा में इसका बहुत अच्छा है कि प्रीफिक्स, उपसर्ग को क्या कहा जाता है, प्रीफिक्स, जो प्री अर्थात पहले फिक्स हो जाए, और प्रत्यय का है सफिक्स, जो सबॉर्डिनेशन में फिक्स हो अर्थात बाद में फिक्स हो, ठीक है। तो इस तरह से यह जो फिक्सेशन का प्रोसेस है यह तय कर देता है कि कौन उपसर्ग होगा और कौन प्रत्यय होगा। अगर कोई चीज़ पहले फिक्स हो रही है, प्रीफिक्स है तो उपसर्ग है, और बाद में फिक्स होगा तो प्रत्यय है, ठीक। अब प्रत्यय का जो दूसरा प्रकार है, कृदंत हो चुका है, जो क्रिया के अंत में प्रयोग किए जाते हैं उनको कृदंत कहते हैं, ठीक है। जैसे पढ़ने वाला, तो यहाँ पर पढ़ना क्रिया थी और वाला प्रत्यय हो गया। लेकिन तद्धित जो होता है, तद्धित किसके साथ प्रयोग किया जाता है, किसके अंत में, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा आप लोग जानते ही हैं, सम्यक ज्ञायते अनया सा संज्ञा, जिसके द्वारा भली भांति ज्ञान हो। जैसे हम नाम लेते हैं किसी का, मानव, रमेश। आप लोग बताइए कि रमेश जो है उसमें कौन सी संज्ञा है,
एक मिनट प्रतीक्षा करिए, मैं आप लोगों को मैसेज देखना चाह रहा हूँ तो इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। रमेश जो है कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? कल हम राम की चर्चा कर रहे थे। हाँ ठीक है, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा क्या है? रमेश क्या है? रमेश है क्या? मानव। तो मानव क्या है? मानव जातिवाचक संज्ञा है। आप में से क्या कोई बता सकता है कि मानव में कौन सा प्रत्यय लगा है और यह इसका जो मूल शब्द है वह क्या है? बताइए, जो मानव शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है और इसका जो मूल शब्द हुआ क्या है? जो जी जो मानव शब्द है यह मनु से बना हुआ है और इसमें आ प्रत्यय लगा है, मनु और आ प्रत्यय मिलकर के क्या हुआ? मानव। तो इस रूप में पूरा का पूरा जो मानव समुदाय है वह मनु की संतान है। और मनु की बहुत ही सुंदर व्याख्या संस्कृत साहित्य में की गई है कि मनु है कौन, मानव मानव कहलाने का अधिकारी कैसे है। मनु की व्युत्पत्ति जो अमरकोश है संस्कृत साहित्य का, अमर सिंह के द्वारा लिखा है, या आपके इतिहास का प्रश्न भी हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा का, अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखी हुई संस्कृत की डिक्शनरी है। मुझसे भी साक्षात्कार में एक बार पूछा गया था ये, इसलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। अमरकोश में मनु की परिभाषा दी हुई है, मननात यह सकल वेदम शास्त्रम मननम करोति यह सह मनु। मतलब जो संपूर्ण शास्त्र को, वेद को, साहित्य को मननम मनन कर लेता है वह मनु है। और जो मनु की संतान है वह क्या है? मानव है। देखिए, मनु को राजा माना जाता है, सृष्टिकर्ता माना जाता है, सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जो परिभाषा है वह सीधे सीधे किससे संबंधित है? मनन से संबंधित है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो मनन क्रिया करता है, विचार करता है। बाकी मनुष्य और पशु में मनन शक्ति के अतिरिक्त और कोई भी अंतर नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सामान्य में तत्पशुवीर नराणाम, जो पशु हैं और जो मनुष्य हैं उनमें सारी चीज़ें समान हैं। ज्ञानम ही तेषाम, यहाँ ज्ञानम को जगह आप मननम प्रयोग कर सकते हैं कि जो मनन की प्रक्रिया है और वही मनुष्य को पशु से पृथक करती है। तो चूंकि हम मानव हैं तो हमें निश्चित रूप से यह जानना चाहिए कि वैसे तो हमको पता है वैज्ञानिक दृष्टि से हमारी उत्पत्ति कैसी हुई, लेकिन यहाँ पर हम शाब्दिक दृष्टि से अपनी उत्पत्ति की खोज कर रहे हैं कि वस्तुतः हम कहाँ से आए, जो हम मानव के रूप में हैं आपके समक्ष हम कहाँ से आए। और इसी मानव का लक्षण बताते हुए जयशंकर प्रसाद ने अपनी कामायनी में कहा है, जब आप साक्षात्कार देंगे तो आपसे आपका जीवन दर्शन पूछा जाता है कि व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट इज योर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, आपकी वैल्यू क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। तो वहाँ पर इस कविता को अगर आप उद्धृत कर देंगे तो निश्चित रूप से वो न केवल वह कविता मानव समुदाय का प्रतिबिंबन करेगी, आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंबन करेगी, बल्कि वहाँ पर साक्षात्कार मंडल के समक्ष जो वहाँ आपके उत्तर अंकित किया जा रहे हैं वहाँ पर अच्छे नंबरों का अंकन भी करेगी। और निबंध में भी इस कविता को आप समापन में लिख सकते हैं, साहित्य समाज के संदर्भ में, साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में, मानवता के संदर्भ में, आतंकवाद के संदर्भ में, हर जगह यह एक मल्टी बैरल मिसाइल है, जहाँ चाहें वहाँ पर आप इसको दाग सकते हैं। वो कविता है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। औरों मनु, मनु यहाँ पर मनु शब्द आया है, मतलब मानव का क्या कर्तव्य है। औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। यह मानव का लक्ष्य होना चाहिए, यह मानव का परम लक्ष्य होना चाहिए। बाकी रोटी कपड़ा और मकान में तो सब आते हैं और फिर मांगते रहते हैं, मौला तू मुझे लिफ्ट करा दे, गाड़ी बंगला कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। इस ये मानव की परिभाषा नहीं है। मानव की परिभाषा या मानव की जो कसौटी है वो यही है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ,
अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। सच्चे अर्थों में जो मानवता है वह इसी में निहित है। अब देखिए कि यहाँ पर मनु में अप्रत्यय लगा तो मानव बन गया, फिर मानव में ता प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, मानवता। तो इस प्रकार से हमने बताया कि जो हमारी उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई है, मनु से हुई है। हम क्या हैं, मानव हैं। और जो मानव का गुण है आगे हम पढ़ेंगे, गुणवाचक प्रत्यय वह क्या है, मानवता है। आप आश्चर्य करेंगे कि इसी प्रकार से जैसे मानव बना है तो मानव का विलोम शब्द क्या होगा, दानव। तो यह भी दन उसे बना है जो दुखी करे, दमित करे, दम्यते यह सह दनु। और जो इस जो वहाँ से निकला हो वो क्या होता है, दानव। और उसी में फिर जो दानव का गुण होता है वो समा जाता है दानवता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तय करना है कि हम किस रास्ते की ओर जा रहे हैं, सुखी करने वाले रास्ते की ओर जा रहे हैं तो मानव और मानवता के अनुगामी होंगे, और दुखी करने वाले रास्ते की ओर जा रहे हैं तो हम दानवता के अनुगामी होंगे। निबंध की दृष्टि से भी यह पंक्ति उद्धरणीय है। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छी पंक्ति कही थी कि वास्तव में मनुष्य है क्या, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। यह जो पंक्ति है यह आपके निबंध के दृष्टि से भी उपयोगी होगी, जब आपका सामान्य नीति की व्याख्या का खंड होगा उसमें कहीं पर भी मनुष्यता की बात आए, मानवता की बात आए, मानव के धर्म की बात आए, मानव के कर्म की बात आए, मानव के मर्म की बात आए, तो आप वहाँ पर मैथिली शरण की गुप्त की इस पंक्ति को रख सकते हैं। जो सारी चीज़ें आपकी दसियों लाइन में नहीं पूरी होती वह आपकी दो पंक्तियों में पूरी हो जाएगी। और कोई अगर पूरा 10 पेज लिखा है और आपने इस कविता को लिख दिया है तो मानव सीधे सीधे वहाँ पर झांकने लगेगा, वह मानव की झांकी होगी। ठीक है, तो इस विवेचन जो कि एक कई रूपों से संबंधित था, लेकिन जो मूल तथ्य था जो हम आपको बताना चाह रहे थे इसके माध्यम से, आप कभी इसको याद करेंगे कि वस्तुतः प्रत्यय बताया जा रहा था मनु मानव और मानवता में, उसमें सारी चीज़ें किस रूप में आ गई। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इस व्याख्यान में कि तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय हित यहाँ पर भी लगा है, जो दूसरों के तत् और हित, जो दूसरों किसके हित के लिए, शब्दों के हित के लिए, शब्द भंडार के लिए, जो शब्द भंडार के लिए किसके साथ जुड़ जाते हैं, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, इनके साथ जुड़ करके शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं, विशेषता लाते हैं, उसको नए रूपों में ढालते हैं, वह क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर फिक्स आप समझ सकते हैं कि फिक्स हो करके, जैसे फेविकोल का जोड़ फिक्स कर देता है, उसे प्रत्यय भी क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब पहला जो तद्धित प्रत्यय है वह क्या है, कर्तृवाचक प्रत्यय। कर्तृ नाम से स्पष्ट है, कर्तृ का मतलब क्या हुआ बताइए आप लोग। कर्तृ शब्द कल हमने चर्चा की थी, अगर आप में से कोई रहा होगा तो कर्तृ का अभिप्राय क्या है, कर्ता। ठीक है, और इस रूप में यह जो है किसका द्योतक है, किसका द्योतक है, काम करने वाले का। ठीक है, कर्ता। तो कर्तृवाचक, जहाँ पर कर्तापन का बोध होने लगे उसको हम क्या कहते हैं, कर्तृवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे लो आर प्रत्यय है, अब आर प्रत्यय देखिए, लोहार, इसका मूल शब्द क्या है बताइए कोई, लोहार का जो मूल शब्द है वह क्या है, लोहा। ठीक है, लोहा में आर प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, लोहार। ठीक है, मतलब लोहा को ढालने वाला, लोहा को बना, लोहा को नए रूप में ढालने वाला। इसी प्रकार से और कोई बनाइए लोहार से मिलता जुलता। हाँ सही है, बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं, सही है। ठीक है, सुनार भी सही है। ठीक है, लोहार है, सुनार है, और पहले जो शब्द हुआ करता था, ठीक है, कुम्हार है। ठीक, तो जैसे कुंभ, कुम्हार शब्द का तत्सम क्या होगा बताइए, कुम्हार का तत्सम शब्द क्या होगा, जी हाँ सही बता रहे हैं, कुंभकार, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यह जो हैं ये प्रत्यय किसको 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 बोध करा रहे हैं, कर्ता का बोध करा रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से जैसे
इया प्रत्यय है, रशिया। रशिया का मूल शब्द क्या है? रस है, ठीक है। रस था, अब हमने इसको कर्ता बना दिया, यही प्रत्यय की खूबी है, ठीक है। रस था और जिसमें रस भरा हो उसको क्या कहते हैं? रसिया कहते हैं। भारतीय संस्कृत में रसिया के रूप में कौन से ईश्वर हैं जो जाने जाते हैं? उन्हीं के नाम पर एक लीला भी बनी है। हाँ बिल्कुल, भगवान कृष्ण बाल लीला, और फिर जो रसिया होकर के रास लीला करे उसको क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण, तो रसिया, ठीक है। इसी प्रकार से ऊटा, अभी हम विशेषण की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें विशेषण क्या है। कलूटा में आप लोग बताइए कि मूल शब्द क्या है कलूटा में? तमाम लोग कल और ऊटा लिख देते हैं, ऐसे लगता है। मूल शब्द क्या है कलूटा में? जी काला है, काला और उस पर ऊटा प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? कलूटा, जिसको हम लोग आप याद करिए कि जो गांव है उसमें ढेर सारे लोगों का नाम जो कल्लू है, वह कल्लू और कलूटा वस्तुतः इसी प्रत्यय से बने हुए। काला शब्द था, काला एक विशेषण था, और काला को हमने कैसे कल्लू बना दिया। तमाम कल्लू नाम के लोग मिलते होंगे, प्यार से बोला जाता है। माँ भी अपने गोरे गोरे बच्चे को भी टीका उका लगा देती तो कल्लू बोलने लगती है, ठीक है। और काना कब कल्लू बन जाते हैं पता नहीं चल पाता है, ठीक। एरा घसेरा, अब घास शब्द थी, सोचिए ये प्रत्यय की खूबी है कि उसने घास को जो घास काट रहा है उसमें परिवर्तित कर दिया। घास शब्द में एरा प्रत्यय लग गया, क्या हो गया? घसेरा, ठीक है। फिर वान बहुत प्रयोग होता है, जैसे आप लोग भाग्यवान हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम भाग्यवान हैं कि हम भारत वंश या भारत वर्ष में रह रहे हैं, ठीक। तो भगवान, भगवान बताइए भगवान शब्द कैसे बना है? इसमें जो कौन सा भगवान में कौन सा प्रत्यय लगा है ये बता ही दिया गया है। हाँ सही है, सही कह रहे हैं आप, वान प्रत्यय लगा है। और किस में जुड़ा है? भाग्य में। भाग का अर्थ क्या होता है? ऐश्वर्य, ठीक है। जो ऐश्वर्य से युक्त हो, माना जाता है कि जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं, श्री स्थिति जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं, वह सारे के अमरत्व, तो ये जितने भी ऐश्वर्य हैं वह सारे के सारे ऐश्वर्य भगवान में निहित हैं। इसीलिए सारे ऐश्वर्यों का जिसमें समावेश हो, जिसमें सारे सारे ऐश्वर्य वैभव निहित हो, उसको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। और इसी प्रकार से फिर क्या है? वाला, हिंदी का है दूध वाला, वती भाग्यवती सौभाग्यवती, इस प्रकार से ढेर सारे। तो ठीक है, ये कर्ता, ये कौन सा हो गया? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक क्यों है? कि ये सारे के सारे कर्ता हैं, ठीक है। जैसे भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, काम कर रहा है, कलूटा बच्चा दौड़ रहा है, रसिया रासलीला रचा रहा है, लोहार लोहा पीट रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया कि ये कौन सा है? कर्तृवाचक है। कर्तृवाचक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कर्ता प्रत्यय का ये सारे के सारे कर्ता बना दे रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद फिर दूसरा है भाववाचक। भाववाचक एक मैं बचपन में एक बच्चे को पढ़ा रहा था कि भाववाचक संज्ञा वह है जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसका एहसास होता है। मुझे लगता है उस बच्चे को भूत की कहानियाँ सुनाई गई थी, तो उसने कहा कि सर मतलब इसका यह है कि जो भाववाचक संज्ञा वो भूत की तरह होती है, दिखाई नहीं देती लेकिन एहसास करा देती है। तो मुझे उसमें लगा कि भाववाचक संज्ञा वास्तव में भूत जो डराया जाता है, तो उसने कहा कि नहीं, यह भूतवाचक संज्ञा नहीं, आप इसको भगवानवाचक संज्ञा भी कह सकते हो, क्योंकि भगवान भी हमको भले नहीं दिखता है लेकिन अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से, अपने जो उसकी सृष्टि संचालन है, अपने न्याय की व्यवस्था से वह एहसास करा देता है कि हमारी उपस्थिति है। तो भाववाचक मतलब जिसमें हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, भावों को महसूस कर सकते हैं। तो जैसे भलाई किससे बना है बताइए? भलाई शब्द में जो मूल शब्द है वह क्या है? भल नहीं, बल नहीं, हाँ भला है, ठीक है।
इसी प्रकार से और बताइए, भलाई का अपोजिट क्या होता है? जी अधिकांश लोग सही बता रहे हैं, बुराई। ठीक है, बुराई है। तो अब भलाई बुराई ऐसी है जो दिखती नहीं है बल्कि इसका एहसास होता है। इसी प्रकार से बुढ़ापा भी आएगा। यह जो है भाव है, ठीक। अब उसके वजह से चौड़ान, सुंदरता, गुरुत्व, भुलावा, ये सब ऐसे हैं जिनमें भाववाचक संज्ञा है। अब इसके बाद संबंधवाचक। हम लोग किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? संबंध से जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संबंध है और उससे हम लोग एक दूसरे से बंधुत्व की जो डोर है उससे बंधे हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो संबंधवाचक जैसे आल शब्द है, आल शब्द में कौन सा संबंध है? एरा शब्द है, जा है। तो जैसे आल शब्द है, आल शब्द में क्या है? ससुराल। ठीक है, तो ये संबंध बता रहा है कि ये जो ससुराल स्थान है यह ससुर से संबंधित है। इसी प्रकार से जैसे और कोई बताइए, ससुराल जैसा और भी कोई स्थान का बोधक शब्द बताइए इसमें संबंध हो। हाँ, ननिहाल, बिल्कुल सही, ननिहाल। इसी प्रकार से और समझ, जैसे एरा है, एरा में क्या है? फुफेरा। ठीक है, फूफा का संबंध जिससे होता है, तो जो फूफा से संबंधित होता है जैसे फुफेरा भाई, फुफेरी बहन। ठीक है, इस प्रकार से तो ये संबंधवाचक हो गया। जैसे जा, भानजा, भतीजा। ठीक है, तो भतीजा या भानजा ये सभी, इन सब में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, जैसे भतीजा मतलब भातृ, भाई से जो उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? भतीजा बोलते हैं। जो बहन से उत्पन्न हुआ हो, भगिनी, वास्तव में मूल शब्द क्या है? भगिनी से जो उत्पन्न हुआ हो उसको क्या, भगिनी का मतलब बहन, उससे जो उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलेंगे? भानजा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब उसके बाद फिर गुणवाचक। गुणवाचक का मतलब क्या है? कि वह तद्धित प्रत्यय जो किसका बोध कराते हैं? गुण का बोध कराते हैं। जैसे आ है, आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय में आ प्रत्यय जब जुड़ गया, जैसे प्यास शब्द था, प्यास, प्यास में आ प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? प्यासा। ठीक है, इसी प्रकार से और प्यासा के साथ क्या रहता है? जी भूखा। तो भूखा में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है बताइए आप लोग। जी भूख मूल शब्द है और आ जो है प्रत्यय है। इससे किसका पता चला है कि व्यक्ति कैसा है? भूखा है। तो भूखा गुण का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से जैसे कृपालु, आलू, इसमें कौन सा प्रत्यय है और शब्द क्या है? कृपा शब्द है और आलू प्रत्यय है। आप लोग कोई इसकी, इससे संबंधित जिसमें कृपालु शब्द आया है, कोई स्तुति सुना सकते हैं या बता सकते हैं? आप पूजा अर्चना करते हैं, अभी हम भगवान राम की बात कर रहे हैं, क्या राम की किसी स्थिति में कृपालु शब्द आया है? सही, भज रामचंद्र, कैसे है पूरा? श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन, हरण भय भव दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुक्कर, कंज पद कंजारुणम। तो वहाँ क्या है? श्री रामचंद्र कृपालु, कृपालु का मतलब क्या होता है? जो कृपा करने वाला हो। इसी से मिलता जुलता और शब्द बताइए कृपालु से मिलता जुलता? हाँ, दयालु। ठीक है, जो दया करने वाला हो, तो दया करना उसका गुण है। इसी प्रकार से जैसे इक प्रत्यय लग गया जिसमें नीति हो, नैतिक, फिर जो समाज के अनुसार हो उसको कौन सा गुण कहेंगे? समाज में एक प्रत्यय लगाइए, क्या बनेगा?
जो समाज के अनुरूप हो जी, सामाजिक, और जो समाज के अनुरूप नहीं हो असामाजिक, ठीक है, जिसका समाज से लेना देना नहीं हो गैर सामाजिक, ठीक है, जैसे संवैधानिक हम कहते हैं, नैतिक। इसी प्रकार से तर्क में लगाइए, तर्क में एक प्रत्यय लगाइए जी, तार्किक। न्याय में लगाइए, न्याय में, न्यायिक, ठीक है। तो इस प्रकार से एक प्रत्यय एक तरह से संबंध का बोध कराता है कि कौन व्यक्ति किससे संबंधित है और उसका कौन सा गुण है। जैसे उर्दू में शब्द है दार, दमदार। इसी प्रकार से और कोई दार से बिना हुआ शब्द बना हुआ बताइए, दार प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द बताइए। मलाईदार, वजनदार और घुमावदार। इसे ये लेक्चर क्या है, घुमावदार है। प्रत्यय से कहाँ पर भगवान राम में और मनु में, मानव में पहुंच जाते हैं, ठीक है। भिक्षुक ये भी बताता है, उक प्रत्यय है भिक्षुक। और कोई उक से बना हुआ बताइए, भिक्षुक में मूल शब्द क्या है बताइए। जो भिक्षुक शब्द है इसमें उक प्रत्यय तो मैंने लिख दिया है, लेकिन इसका मूल शब्द क्या है, कभी कभी मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मूल शब्द को प्रत्यय से अलग करिए। इसमें मूल शब्द, हाँ मूल शब्द क्या है, भिक्षा है। कुछ लोग मर्मज्ञ हिंदी के सही उत्तर दे रहे हैं, भिक्षा है, ठीक है, भिक्षुक। अब इसी प्रकार से फिर ये क्लियर हो गया भिक्षुक है। और कुछ, भावुक, भाव और उक प्रत्यय, ठीक है, स्पष्ट हो गया। गुणवाचक हो गया, गुणवाचक के साथ फिर क्या है, अपत्यवाचक। सबसे मनोरंजक प्रत्यय हमको यही लगता है और सबसे दमदार लगता है। कल हमने कहा था कि प्रत्यय में ये वो शक्ति होती है जो बाप को बेटा बना दे, ठीक है। बाप का नाम है और एकाएक वह नाम बेटे में परिवर्तित हो जाता है। अपत्य माने क्या होता है संस्कृत में, संतान होती है, ठीक है। जो उस परंपरा से निकला हो, संतान परंपरा से निकला हो, उसको अपत्य कहते हैं। तो जैसे अपत्यवाचक, अपत्य नहीं बल्कि अपत्यवाचक, ठीक है। जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी मानव की, तो अप्रत्यय है मनु। मनु की जो संतान है, आज निश्चित रूप से कुछ लोगों को एक विशिष्ट और अच्छा ज्ञान हुआ होगा, वह उनकी स्मृतियों में हमेशा अंकित हो जाएगा कि वास्तव में मानव शब्द आया कहाँ से है, ठीक है। तो मनुष्य आया है, मनु में अप्रत्यय लगा है। इसी प्रकार से और कोई मिलता जुलता शब्द बताइए, गांधी जी का भजन याद करिए जो हमेशा प्रार्थना सभा में गाते थे, क्या गाते थे, रघुपति राघव राजा राम। तो उसमें राघव शब्द जो है, राघव शब्द का जो मूल शब्द है वह क्या है, रघु। जैसे मनु है उसी प्रकार से रघु, रघु की संतान या रघु की परंपरा, तो क्या हो गया, राघव। मनु मानव, दनु दानव, जनु जानव, ठीक है। इस प्रकार से रघु राघव, तो अप्रत्यय हो गया। फिर ये देखिए, अब राम आए हैं तो उनके साथ साथ कौन चलेगा, रघु मतलब राघव आ गए तो राघव के साथ कौन रहते हैं, मरुत। मरुत का मतलब क्या होता है बताइए, पवन। किसको पवन पुत्र कहा जाता है जी, सही है, हनुमान जी को। हनुमान जी के बारे में क्या माना जाता है, मारुतुल्य वेग्यम, हवा से भी तेज चलने वाले, है ना। कोई कह रहा था कि इलाहाबाद ऐसा शहर है कि जो सबसे तेज जिसकी गति हो, जो मरुत का पुत्र हो, पवन का पुत्र हो, वह भी इलाहाबाद में आकर के लेट जाता है। कोई ऐसा स्थान या ऐसा मंदिर है जिसने हनुमान जी को लिटाया हो या जहाँ हनुमान जी लेटे हों, तो यह इलाहाबाद की सामर्थ्य है कि इतने तीव्र गामी लोगों को भी इसलिए लेटा देती कि नहीं पहले रुको और आशीर्वाद दो तब यहाँ से आगे निकलना है, लेटे हुए हनुमान जी। तो अब यहाँ पर देखिए मरुत शब्द है, मरुत शब्द में क्या है, मारुति।
मारुति शब्द से संबंधित कोई चौपाई है तुलसीदास की? सही, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, ठीक है, सकल अमंगल दोष। तो यहाँ पर जो है मरुत से जो उत्पन्न हो, मारुति अर्थात हनुमान जी, फिर गंगा, गंगा से उत्पन्न ए प्रत्यय, ये भी संतान के अर्थ में है, गंगा से उत्पन्न गांगेय, किसको कहा जाता है गांगेय जी? भीष्म पितामह को कहा जाता है, और कहते भी हैं गंगा पुत्र भीष्म, तो गंगा पुत्र इतना लंबा ना कह के सीधे आप गांगेय कह देंगे तो भी हो जाएगा। इसी प्रकार से कुंती, कुंती में ए प्रत्यय लगाइए, क्या बनेगा जी? कौंतेय बनेगा, सही। फिर इसी प्रकार से कल हमने चर्चा की थी राधे, ठीक। अब उसके बाद आयन, आयन प्रत्यय भी जो राम से उत्पन्न हो उसको क्या बोलते हैं? रामायण, इसमें अड़ा हो जाता है फिर उस प्रक्रिया के द्वारा, सही शब्द क्या होगा? रामायण, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। एक होता है उन्नतावाचक, उन्नता का मतलब क्या होता है? हीनता का बोधक, जो आप हैं उसे थोड़ा कम कर दें। जैसे कलम कहे थे कि राजा है, राजा राजा को अगर हम न्यून दिखाना चाहें, हीन दिखाना चाहें, तो क्या कहते हैं? रजवा। आप लोग भी ऐसे नाम लेते रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि रमेश, रमेश जा रहा है तो कहें रमेशवा, ठीक है। बड़कू है तो बड़कुआ, छुटकू है तो छुटकुआ। तो यहाँ पे जो बड़कू से बड़कुआ हो गया, छुटकू से छुटकुआ हो गया, तो ये वस्तुता क्या है? कौन सा प्रत्यय है? ऊनता, ऊन माने कम कर देना, ठीक है। जैसे तीस है, तीस के पहले अगर ऊन लग गया तो क्या हो जाता है? उनतीस जी, उनतीस। या भी आया था विशेष मुख्य परीक्षा में कि उन उपसर्ग, ये उपसर्ग है, उन उपसर्ग लगा करके कोई शब्द बनाए थे, क्या है? उनसठ, उनतीस, उनचास, ठीक है। जैसे ये सारे के सारे ऊन पर ऊन लगा नहीं कि आपकी महत्ता कम हुई नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऊनता वाचक है, जैसे उआ, बबुआ। बबुआ का मूल शब्द क्या है? हम लोग करते हैं बाबू, अम्मा, तो बाबू, बाबू को क्या बना दिया गया? बबुआ। इसमें काफ़ी प्रचलित है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ठीक है, बबुआ और बुआ शब्द इस प्रकार से काफ़ी समाचार पत्रों में आप पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो बबुआ है तो बाबू, बाबू है, उसमें उन्तावाचक उआ प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? बबुआ। ओला, खटोला, खटोला का मूल शब्द क्या है? जैसे आप खट लिख रहे हैं ऐसे अधिकांश लोग भी खट लिख करके आते हैं, थोड़ा और सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। खाट मूल शब्द है, तो इसलिए क्या हो गया? खटोला। फिर जैसे अड़ा, दुखड़ा यहाँ होना चाहिए था, अच्छा सही तो है, दुखड़ा, अड़ा, दुख है तो दुख को छोटा करने के लिए दुखड़ा हो गया, ठीक, यह हुआ। अब उसके बाद फिर कल हम एक प्रत्यय की और शक्ति के बारे में चिंता कर रहे थे, विज्ञान जहाँ नहीं पहुँच पाया है, विज्ञान को भी बहुत समय लगेगा, लिंग परिवर्तन के संदर्भ में, पुलिंग से स्त्रीलिंग बना देना या स्त्रीलिंग से पुलिंग बना देना, लेकिन हमारे जो प्रत्यय हैं, जो हमारा व्याकरण है, ये चिकित्सा शास्त्र में बहुत आगे है, इतना आगे है कि आप इसके पास जाएंगे तुरंत लिंग परिवर्तन कर देगा, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी शल्य चिकित्सा के। जैसे हमने बताया था लेखक है, ठीक है, लेखिका बन गया। आइन, हमने कल बताया था आइन, पंडिताइन, ठकुराइन, देवराइन, ठीक है, मस्टराइन भी आ गया। सोचिए किस प्रकार से हिंदी और अंग्रेजी का मिक्सचर हो गया। ऐसे कहते नहीं, अब इस समय उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ है, जैसे प्रधान है तो प्रधान की पत्नी अपने आप प्रधानिन, मुखिया है मुखियाइन। तो ये शब्द जो है किस प्रकार से स्त्रीवाचक प्रत्यय हैं, जो इस तरह से चेंजेज आते हैं, ठीक है। तो हमने जो संक्षेप में जो प्रत्यय के स्वरूप हो सकते हैं, तद्धित प्रत्यय, उसको आप लोगों के समक्ष रखा। इस संदर्भ में और चीज़ों को ठीक से देखने के लिए जो पूर्व की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का हो, या समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का हो, या
खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रश्न हों इनको आप देखिएगा, और जो हमने आपको कसौटी दी है उस कसौटी के आधार पर वहाँ पर उत्तर लिखने की कोशिश करिएगा, उसको देखिएगा, समझिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो जो हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ग्रुप तो है ही, हमारा प्रज्ञा प्रवाह चैनल भी है, प्रज्ञा प्रवाह चैनल के लिंक में आप मैसेज कर सकते हैं और मैं यथासंभव उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।